नमस्कार, फास्ट इंडिया 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रायगढ़ के धरमजयगढ़ विकासखंड के ठाकुर पोड़ी गांव के हाई स्कूल में प्राचार्य के दुर्व्यवहार से परेशान होकर छात्रों ने स्कूल में ताला लगा दिया और बच्चों ने प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी भी की। नाराजगी की वजह बेहद अमानवीय है। यहां पढ़ने वाली लड़कियों ने प्राचार्य पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि प्राचार्य द्वारा छात्राओं के वॉशरूम में टांग झांक करता है और जिसके कारण बच्चे परेशान होते हैं। और बच्चों का कहना है कि उनके द्वारा बनाए गए जानकारी चार्ट को आचार संहिता का उल्लंघन ताते हुए फाड़ दिया गया। यहां तक कि स्कूल में सुशोभित महापुरुषों की तस्वीर भी निकाल दी गई। कई बार इसकी शिकायत भी की गई लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हम लोग का यानी कि प्रिंसिपल सर हैं जो अच्छे नहीं है और बालिका वाला बाथरूम को यूज करते हैं और हम लोग को परेशानी होता है और हम लोग को आज तक बुक भी नहीं मिला है पढ़ने के लिए और बाथरूम भी ठीक ढंग से नहीं है, पूरा बदबू देता है, उसको साफ भी नहीं करवाते हैं और पंखा भी नहीं है। जी किस तरह अच्छे से नहीं करते हैं, पूरा डांटते सब रहते हैं और गाली भी देते हैं और अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं और समझाते भी नहीं हैं अच्छे से। जी किए थे यानी कि अपने पालक को बुला के लाए थे तो हम लोग को जो पालक है ना उनको डांट दिए थे। ओए प्रिंसिपल सर, उच्च अधिकारी तक शिकायत की? जी क्या हुआ थी? कुछ नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग चाहते हैं कि ये प्रिंसिपल सर है ना उसको ही निकालना चाहते हैं, उसको प्रिंसिपल नहीं रखना चाहते हैं, बस उसको नहीं रखना चाहते हैं। जी हम लोग जी इसके विषय में तो क्या है छात्र छात्राएं ही पूरा स्पष्ट बता सकते हैं उनकी समस्याएं क्या है और किस लिए तालाबंदी किए हुए हैं। हम लोग 9:45 बजे सभी शिक्षक पहुंच गए और पहुंचने के उपरांत हम लोग देखे तो यहाँ मतलब हाई स्कूल ठाकुर पौड़ी का जो मेन गेट है उस मेन गेट में तालाबंदी किया हुआ है और सामने बच्चे बैठे हुए हैं। इनका जो नारा से आवाज़ आ रहे हैं सर कि प्रिंसिपल हटाओ स्कूल बचाओ, इस प्रकार की। और क्या है बच्चों से पूछने थे कैसे अपना जो समस्याएं हैं छुट्टी से लेकर और भी कुछ गतिविधियां हैं जो जिनके जिसके ऊपर क्या है उन बता सकते हैं, इस प्रकार की उनके पास समस्या हैं जो स्पष्ट रूप से पूरे सभी समस्या को हम लोग को भी नहीं बताएं जिसे अभी नारेबाजी के वजह से या अपने मानसिकता के स्तर से जानना चाहे सर। हम लोग बहुत प्रयास करके देखे और प्रयास करने के बाद में क्या है गांव वालों को भी जो मुखिया हैं सरपंच है शाला विकास समिति है उनको बुला करके भी उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करके देखे बात करके देखे तो भी इन लोग का ही एक मुद्दा है कि प्रिंसिपल हटाओ स्कूल बचाओ करके नारा करके। जांजगीर चांपा के शक्ति विधानसभा में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे, जहां शक्ति के मेला ग्राउंड में कांग्रेस के शक्ति प्रत्याशी चरण दास महंत के प्रचार में पहुंचे। सिद्धू ने अपने अंदाज में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जनता को अच्छे दिन का सपना दिखाने की बात कही। साथ ही राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी अब तो खरबों वाले अमीर की है, अब कांग्रेस किसान मजदूर और गरीब की है। कांग्रेस पार्टी तो सरकारों का उलटना भी निश्चित। अरे बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल भैया आने वाले हैं। राहुल गांधी
दिल की गहराइयों से ये आवाज निकली है कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जांजगीर चांपा की जेजेपुर विधानसभा सीएम डॉक्टर रमन सिंह से भाजपा प्रत्याशी कैलाश साहू के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। शक्ति विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू तो जेजेपुर में बसपा प्रत्याशी के लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती आई हुई थी, जो जेजेपुर में भाजपा प्रत्याशी कैलाश साहू के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने खुद कमान संभाल कर एक आम सभा को संबोधित किया। चावल की योजना तो मैंने संकल्प लिया था मुख्यमंत्री बनते ही कि जब तक धन्यवाद बोलिए बनाघासी दूरघासी राष्ट्र की और इस पूरे बड़े सीपत के सभी जनता का मैं धन्यवाद देते हुए सभी यहाँ के आए हुए मतदाता बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। जशपुर में पुलिस ने नकली नोट देकर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने 50,000 के असली नोट के बदले 3 गुना अधिक 1.5 लाख रुपए के नकली नोट देकर ठगी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रंतु राम यादव कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे के पक्ष में जमकर प्रचार किया और सभा में उन्होंने नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर भी निशाना साधा और घोटालों की सरकार और गरीबों के साथ धोखा देने वाली सरकार करार दिया। साथ ही शैलेश पांडे को जिताने की अपील भी की। तो दरारें और टेढ़े दिखती रहती, 90 लाख करोड़ जो विदेशों में पड़े थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि वो 90 लाख करोड़ रुपए मैं वापस लाऊंगा। 2.5 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने इन पूंजीपतियों का माफ किया है, उसे ये इंसेंटिव कहते हैं। और गरीब को जब कोई आतंकवाद बढ़ा, मनी की सर्कुलेशन और बढ़ गई, लेकिन एक बंदा बताइए जिसकी विदेशों में ब्लैक मनी छुपी पड़ी है, राजन साहब आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने राजन लिस्ट दी एनपीएस की, विलफुल डिफॉल्टर्स की, उन्होंने राजन लिस्ट दी, 17 बंदों के नाम थे आज तक। मोदी साहब 45,000 करोड़ रुपया देना है कि नहीं देना? ईशार ग्रुप ने देना है कि नहीं देना? और अगर वन नेशन वन टैक्स है तो फिर पेट्रोल और डीजल तेल की बढ़ती कीमतों के अनुसार घटता बढ़ता क्यों नहीं है? जब सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी $150 का एक बैरल था, 80 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, असेंशियल कमोडिटीज। और अगर वो असेंशियल कमोडिटीज में आएगा तो फिर पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 40-45 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। यदि मदद कर रही है किसी, हवा में गायब हो गया और किसी को पता ही नहीं लगा कि आदिवासियों की जमीन जिन पे वो 1,000 साल से काबिज थे, और कोई 20 साल अगर काबिज हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहता है कि तुम उसे उठा नहीं सकते, तुमने उनकी संस्कृति उनसे छीन ली, उनके देवी देवता उनसे छीन लिए, उन्हें भेंगा कर दिया। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना। तुमने फंसे हुए लोगों को उजाड़ फेंका सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए। तुमने उनकी जमीन छीन के बड़े दामों पे उन पूंजीपतियों को दे दी। और क्या ये शर्मसार बात नहीं है कि 27 आपकी फसलों के साथ साथ बोनस देंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ का किसान आज खुश है? नहीं। क्या छत्तीसगढ़ के किसान को उसकी छत्तीसगढ़ के किसान को कुछ मिला है तो सिर्फ फांसी का फंदा मिला है आत्महत्या करने के लिए जो उसे मजबूर होना। साथियों, इन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को अगर रोजगार नहीं दे पाए तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे। यहाँ तमाम युवा साथी हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, 2.5 करोड़ जनता है और 2.5 करोड़ जनता में से 50 लाख इस प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, विधानसभा में विधानसभा में सलील पांडे जी के समर्थन में हमारे बीच में बड़े तेज तरार सिद्धू जी का बिड़ा है या कोई सुमड़ी में गुमड़ी है?
या ये अंदर की बात है, लक्सकूजी बात है। क्यों नहीं बताते मोदी साहब, क्या हो गया आपको? और फिलहाल के लिए फास्ट इंडिया 24 में इतना ही। और भी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।